रहीम शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। तो प्यारे बच्चों, हमने अपने अंदर अच्छी आदतें डालनी है। बंदा अपनी आदतें तब्दील करना शुरू कर दे तो फिर उस कामयाबी उसके कदम चूमती है, लेकिन ये रोज़ का काम रोज़ करना पड़ता है। अगर हम अपने अखलाक को आज संवारेंगे तो बड़े होकर फिर ही हम बाअखलाक बनेंगे। तो अल्लाह ताला ने उस कौम की हालत नहीं बदल दी जिसको खुद अपनी हालत बदलने का एहसास ना हो। अल्लामा इकबाल ने भी यही कहा है, खुदा ने आज तक इस कौम की हालत नहीं बदली ना हो जिसको ख्याल आप अपनी हालत के बदलने का। सबक फिर पढ़, सदाकत का, अदालत का, शुजात का लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का। तो हम अगर दुनिया में और आखिरत में कामयाब होना चाहते हैं तो हमें फिर फलाह की तरफ आना होगा। हर कोई चाहता है कि उसे कामयाबी मिल जाए, लेकिन जब मस्जिद से आवाज़ आती है आओ कामयाबी की तरफ, कोई ज़हमत नहीं करता। जिस चीज़ को इंसान सारी ज़िंदगी हर जगह तलाश करता रहता है वो खुद उसे अपनी तरफ बुला रही है। तो चलें अब हम अपनी किरदार साजी के साथ अपने इल्म की तरफ आते हैं। आज हम वर्ड प्रॉब्लम करेंगे जो हमारी रूटीन की लाइफ में आती हैं। फाइव बिस्किट्स, देर आर फाइव बिस्किट्स ऑन अ प्लेट, एक प्लेट पे पाँच बिस्किट्स हैं और अली दो बिस्किट्स जो हैं वो और रख देता है, तो कुल कितने बिस्किट्स हो गए? आपने देखा ये सात बिस्किट्स हैं, लेकिन अगर हम इसे नंबर लाइन पे करें तो आसानी हो जाती है। पाँच से आगे दो और काउंट करें तो आंसर सात आता है। अब हम नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम में हमारे पास क्या है, ज़ारा हैज़ फोर बैलून, ज़ारा के पास चार बैलून्स हैं, शी बाइज टू मोर, वो दो और ख़रीदती है, तो कुल कितने हो गए? तो चार जमा दो छः। तो अगर हम इसे नंबर लाइन पर डालें तो फोर प्लस टू इज़ इक्वल टू सिक्स, फोर के आगे आपने वन और टू दो और काउंट करते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा सिक्स। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम में है कि देयर वर सेवन बॉल्स इन द बॉक्स, सात बॉल बॉक्स में है। अहमद पुट्स फाइव मोर बॉल्स, पुट्स का मतलब होता है डालना, वो फाइव और डाल देता है, तो ऑल टुगेदर टोटल कितने हुए? इसको भी हम नंबर लाइन के थ्रू करते हैं, लेकिन आप वीडियो रोक के अब यहाँ पे खुद से नंबर लाइन बनाएं और देखें जो मैंने पहले आपको तरीका सिखाया था कि आपने सेवन से आगे फाइव काउंट करना है नंबर लाइन पे, तो आपके पास आंसर आ गया ट्वेल्व। तो ये बहुत आसान है कि आप वन टू ट्वेंटी नंबर लाइन बनाएं और उसके ऊपर सात से आगे पाँच और काउंट कर लें। तो अब हम अपनी नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ आते हैं। नेक्स्ट वर्ड प्रॉब्लम जो है वो है हमारी कि सना हैज़ टेन पेंसिल, सना के पास टेन पेंसिल थी, शी बाइज फोर मोर, वो चार और ख़रीदती है, हाउ मैनी पेंसिल डज शी हैव इन टोटल, उसके पास कुल कितनी पेंसिल्स की तादाद होगी? तो यहाँ पे भी आप वीडियो रोकें, खुद से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करें और फिर इसका आंसर देखें। अब हमने नंबर लाइन लगाई और हमने टेन से फोर आउट और काउंट किया तो हमें फोर्टीन पे जवाब मिल गया। तो टोटल ही हैज़ टोटल 14 या 14 पेंसिल्स हैं उसके पास। अब हम अपनी नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम में स्वीट्स हैं, स्वीट्स टाफियों को कहते हैं। हारिस हैज़ 20 स्वीट्स, हारिस के पास 20 स्वीट्स हैं, हिज टीचर गिव्स हिम फाइव मोर स्वीट, टीचर ने पांच और टाफियाँ उसको दी, हाउ मैनी स्वीट डज हारिस हैज़ ऑल टुगेदर हैव ऑल टुगेदर, तो उसके पास टोटल कितनी है? यहाँ पे भी हम वीडियो रोके, हम जो है खुद से नंबर लाइन बनाएं और आप देखें कि अगर आप 20 से 25 और काउंट करना शुरू होंगे तो 25 इज़ द आंसर। तो हारिस हैज़ 25 टोटल स्वीट्स, 20 ऑफ हिज ओन एंड 5 फ्रॉम हिज टीचर। तो उसके बाद हम नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम में है पेंसिल्स हैं कि ज़ारा हैज़ 20 पेंसिल, ज़ारा के साथ 20 पेंसिल्स हैं और सना हैज़ 15 पेंसिल, तो टोटल कितनी होगी? तो यहाँ पे भी आप रुकें, आप नंबर लाइन का इस्तेमाल करें, लेकिन इसका एक आसान तरीका ये है कि आप इसको पहले टेंस और वंस में कर लें। 20 में टू टेंस हैं, ज़ीरो वंस हैं और 15 में वन टेंस और फाइव वंस हैं। तो अब हम पहले वंस को काउंट करेंगे, ज़ीरो की कोई वैल्यू नहीं है, फाइव आ जाएगा और फिर टू प्लस वन इज़ इक्वल टू थ्री नंबर लाइन के अकॉर्डिंगली, तो हमारा आंसर आ गया 35। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, इसको लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा।